गुड इवनिंग मेरे बच्चों, कैसे हैं आप? ये मैं उपस्थित हूँ आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और आपको पता ही है कि जैसा कि इस समय कई सारे एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, वो CPO का पेपर हो सकता है, आगे CGL है, CHSL है, और भी कई सारे एग्जाम्स हैं। उन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए एक सेगमेंट मैं पूरा आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सेगमेंट है मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, जैसा कि आप सारे बच्चे जानते हैं, ये एक ऐसा सेक्शन है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हर एक एग्जाम में जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। इन क्वेश्चन की खासियत है कि जो आपको एरर्स होंगी वो वर्ब से संबंधित आपको दिए जाते हैं कि सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब सूटेबल होगी। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन का समाधान निकालते हैं कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। चलिए, ये क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। राकेश इज द वनली वन ऑफ दोज दैट हैव लिव्ड अप टू द पोटेंशियल डिस्क्राइब्ड इन द ईयरबुक। वन ऑफ दोज दैट हैव लिव्ड अप टू द पोटेंशियल डिस्क्राइब्ड इन द ईयरबुक। सोचें आप, क्या गलत हो सकता है? वर्ब की कहां पे गलती है? यहाँ राकेश इज है, ये तो सही है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। राकेश इज द वनली वन ऑफ दोस, सही है यहाँ पे। दैट हैव लिव्ड अप टू द पोटेंशियल डिस्क्राइब्ड इन द ईयरबुक, कहाँ गलत है? कुछ समझ में आया आपको? देखिए, जैसे ही आपने द ओनली देखा तो दो चीज क्लियर हो जाए कि इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो दैट होगा, जो कि है यहाँ पे। और दूसरी चीज क्लियर हो जाए आपको कि जो वर्ब होगी वो क्या होगी, आपकी सिंगुलर होगी, जबकि यहाँ जो दी गई है वर्ब वो क्या है, आपकी प्लूरल है। तो यहाँ हैज नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका हैज। क्या हो जाएगा? हैज। यानी द वनली के साथ वर्ब हमेशा क्या होती है? सिंगुलर होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरनेशनल क्लब एज वेल एज द हिंद सोसाइटी एंड रोविंग क्लब नीड टू सबमिट, और यहाँ पे होगा अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या गलत है यहाँ पे? सोच कर देखिए, द इंटरनेशनल क्लब एज वेल एज द हिंद सोसाइटी एंड रोविंग क्लब नीड टू सबमिट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। आपको याद है एज वेल एज टुगेदर विद एलॉन्ग विद, और भी आपके एंड नॉट इन एडिशन टू बिसाइड्स, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब खोजनी होती है। यहाँ तो वर्ब है नहीं, देखिए वर्ब कहाँ है? नीड है यहाँ पे, ये आपकी वर्ब है। अब एज वेल एज में हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार चलना है। अगर पहले वाला सब्जेक्ट है हमारा तो याद करें पहले वाला सब्जेक्ट है द इंटरनेशनल क्लब। अगर द इंटरनेशनल क्लब है सब्जेक्ट तो फिर नीड कैसे होगा? इसके अनुसार क्या हो जाएगा? नीड्स हो जाएगा, यानी यहां पर एस जुड़ जाएगा आपका, हमको एस जोड़ना होगा। अगर द इंटरनेशनल क्लब एज वेल एज द हिंद सोसाइटी एंड रोविंग क्लब नीड्स टू सबमिट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कभी भी अगर एज वेल एज का प्रयोग किया गया है तो इसके साथ हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब ली जाती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आर डूइंग दिस वर्क। ऐसा लगेगा जैसे फ्रेंड्स के लिए आर लिया गया है, लेकिन क्या गलत है? सोचिए आप, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आर डूइंग दिस वर्क। आपको याद होगा वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स अगर है तो फिर वर्ब हमेशा क्या होगी? सिंगुलर होगी, क्योंकि उन मित्रों में से हम एक मित्र की बात कर रहे हैं, तो यहां आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहां पर? इज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर इंस्ट्रक्टर हैव बीन कॉल्ड टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। देखें क्या गलत हो सकता है इसमें। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर इंस्ट्रक्टर हैव बीन कॉल्ड टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। कोशिश करें कहां पे वर्ब की गलती है यहां पे? क्या यहां पे हैव बीन की गलती है? अगर गलती है तो क्यों गलती है? याद है आपको? याद आया? चले,
नॉट ओनली बट आल्सो के केस में हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब लेने होते हैं। पास वाला सब्जेक्ट क्या है? देयर इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर तो सिंगुलर है ना, अगर इंस्ट्रक्टर सिंगुलर है तो हैव बीन कैसे होगा? यहां पर हैज बीन होना चाहिए न कि हैव बीन होना चाहिए। यहां हैज बीन ना होकर के अरे हैव बीन ना होकर के हैज बीन हो जाएगा। यानी नॉट ओनली बट आल्सो के केस में हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, मोस्ट ऑफ द मिल्क हैव गॉन बैड। सोचे सोचे क्या गलत हो सकता है? मोस्ट ऑफ द मिल्क हैव गॉन बैड, याद आया? मोस्ट ऑफ द मिल्क, जब भी मोस्ट ऑफ से आपका सब्जेक्ट बनाया गया हो तो हमेशा देखें उसके बाद काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर काउंटेबल नाउन होता तो आपकी वर्ब प्लूरल होगी, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर आपकी वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द मिल्क के साथ क्या हो जाएगा? यहां पर हैव ना होकर के हैज का प्रयोग करेंगे न कि हैव का प्रयोग करेंगे। तो मोस्ट ऑफ के बाद काउंटेबल तो प्लूरल नाउन, मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल तो सिंगुलर नाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर इन दिस बिल्डिंग होप्स फॉर अ न्यू फैसिलिटी बाय नेक्स्ट ईयर। सोचें क्या होगा? ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर इन दिस बिल्डिंग होप्स फॉर अ न्यू फैसिलिटी बाय नेक्स्ट ईयर, क्या होगा? सोचें, समझ में आया कुछ? Each and every student and instructor in this building hopes for a new facility by next year. आपको लगेगा यहाँ पे कि each and every का प्रयोग है, ठीक है, लेकिन ध्यान दें each and every student यहाँ पर है एक subject और फिर and के साथ फिर instructor एक subject है। यानी हमारे पास एक नहीं दो subjects हैं, और हमारे पास दो subjects हैं इसका मतलब यहाँ पर जो hopes है वो hopes न होकर के क्या हो जाएगा? होप हो जाएगा, ठीक है, यहां पे होप होगा क्योंकि यहां दो सब्जेक्ट्स हैं, एक ईच एंड एवरी हो गया और एक एंड से जुड़ा हुआ इंस्ट्रक्टर। तो आपको याद होगा एंड से जुड़े हुए दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को अगर हम जोड़ते हैं तो फिर हमारा जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां, द स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स ईच होप फॉर अ न्यू फैसिलिटी बाई नेक्स्ट ईयर। फैसिलिटी एक साथ रहेगा तो बोले क्या होगा यहाँ पे? द स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स ईच होप फॉर अ न्यू फैसिलिटी बाई नेक्स्ट ईयर। कुछ समझ में आ रहा है क्या गलत है? द स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स ईच होप फॉर अ न्यू फैसिलिटी बाई नेक्स्ट ईयर। आपको लगेगा यहाँ पे ईच का प्रयोग है, यहाँ होप नहीं होना चाहिए होप्स होना चाहिए, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स होता तो हमारी वर्ब सिंगुलर होती, बट ध्यान रखें जब भी प्लूरल सब्जेक्ट्स के बाद आप ईच का प्रयोग करते हैं तो आपकी वर्ब भी हमेशा प्लूरल होती, क्या होती है? प्लूरल, ठीक है। यानी यहां पर जो होप है आपका वो सही है, क्यों? क्योंकि अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स के बाद ईच लगा है तो वर्ब भी हमेशा क्या होगी? प्लूरल होगी, अर्थात होप यहां पर राइट है आपका। चलिए ये सात क्वेश्चंस आपके हैं और आगे भी हैं क्वेश्चंस, देखें, और मैंने पूरी कोशिश की है कि सभी क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया जा सकता है जो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर दिए जाते हों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, राइस एंड बीन माय फेवरेट डिश रिमाइंड्स मी ऑफ माय विलेज, ठीक है। आपको लगेगा राइस एंड बीन है माय फेवरेट डिश है तो वर्ब सिंगुलर नहीं होनी चाहिए, बट आप याद रखें ये राइस एंड बीन ही क्या है? माय फेवरेट डिश है, ये तो कोई मतलब नहीं, ये तो केस इन अपोजिशन है और केस इन अपोजिशन के अनुसार नहीं चलते हैं, उसका जो मेन नाउन होता है वो चलते हैं। और ये राइस एंड बीन आपको याद होगा, राइस एंड बीन, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरियज, ब्रेड एंड बटर, याद है ना? तो राइस एंड बीन मिलकर के एक यूनिट को दिखा रहा है, एक मतलब कलेक्टिव नाउन को दिखा रहा है, तो फिर यहां पर जो रिमाइंड्स है वो सही है आपका, क्योंकि सिंगुलर ही यूज करना होगा आपको, तो फिर यहां पे कोई एरर नहीं आपके पास। यानी राइस एंड बीन माय फेवरेट डिश रिमाइंड्स मी ऑफ माय विलेज, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है, अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स स्टिल वोट्स
along straight party lines. A large number, याद होगा आपको, चाहे a large number हो, चाहे a big number हो, चाहे a great number हो, चाहे a number हो, चाहे a variety हो, इसके बाद countable plural noun आएगा, और जब countable plural noun आएगा, तो आपकी verb भी क्या हो जाएगी? Plural हो जाएगी. तो फिर यहाँ still votes लिखा है, votes नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? Vote होगा, न कि votes होगा, यानी यहाँ vote होगा, क्योंकि plural subject है आपके पास. चलिए और आगे बढ़ते हैं और मेहनत करते हैं. 4 years are a long time. ये a long time आपके लिए हिंट है कि हम एक यूनिट के रूप में यूज कर रहे हैं इसे. तो 4 years याद होगा, निश्चित समय हो, निश्चित दूरी हो, निश्चित वजन हो, निश्चित इकाई हो, निश्चित मात्रा हो, और यहां a long time भी दिया है इसका यूनिट, तो फिर हमेशा सिंगुलर में वर्ब आती है. तो 4 years आर नहीं होगा, 4 years इज होगा यहां पर. क्या हो जाएगा? Is, क्योंकि यहां वैसे भी हिंट था अ लॉन्ग टाइम आपका. चलिए 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन की तरफ. चलिए, पॉलिटिक्स आर समटाइम्स अ डर्टी बिजनेस. क्या होगा सोचिए, यहां पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के रूप में तो है नहीं, तो पॉलिटिक्स आर समटाइम्स अ डर्टी बिजनेस, सही है गलत है सोचिएगा. यहां पॉलिटिक्स राजनीति के रूप में है, न कि राजनीतिक क्षमताओं के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में भी नहीं, ध्यान रखिएगा. यहां हमारी राजनीति के रूप में है, तो राजनीति तो सिंगुलर ही है ना, तो पॉलिटिक्स आर कैसे होगा? पॉलिटिक्स इज हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन. टू एन आउटसाइडर द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस कंट्री सीम टू बी इन डिसअरे. To an outsider में से एक अगर कोई बाहरी व्यक्ति है, तो the economics of this country, उसे इस देश की जो economics है, seem, वैसे भी आपको याद होगा, economics अगर subject के रूप में use होता है, तो भी वो plural होता है, और अगर आर्थिक के रूप में use होगा, तो भी, अरे हाँ, subject के रूप में plural होता है, तो भी singular होता है, और अगर आर्थिक के रूप में use होगा, तो भी वो singular ही होगा. तो the economics of this country seem नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सेम्स हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th. इजी है, मैन एंड वुमन आर कॉम्प्लीमेंट्री, यहां पे होगा COMP हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. मैन एंड वुमन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. क्या कोई एरर दिख रही है आपको? मैन एंड वुमन तो जब भी रहेंगे अलग ही रहेंगे, तो वर्ब हमारी क्या होगी? प्लूरल होगी. ठीक है, कोई एरर नहीं. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Plenty of mangoes and bananas is available in this season. अब इस in this season के लिए तो is लगा नहीं है, तो बोले क्या होगा? Plenty of mangoes and bananas are होगा या is होगा? क्या होगा? Plenty of mangoes and bananas are हो जाएगा, is नहीं होगा. यहां पर आपको are का प्रयोग करना होगा. चलिए नेक्स्ट है, यानी ध्यान रखिएगा, अगर प्लेंटी ऑफ मैंगोज एंड बनानाज यहां पे है, तो अगर ये प्लेंटी ऑफ वाटर होता, प्लेंटी ऑफ सुगर होता, कोई अनकाउंटेबल नाउन होता, तो वर्ब आपकी सिंगुलर होती. लेकिन जब प्लेंटी ऑफ के बाद, अ लॉट ऑफ के बाद, लॉट्स ऑफ के बाद, मोस्ट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन होता है, तो वर्ब प्लूरल लेते हैं. और इनके बाद, मोस्ट ऑफ के बाद, प्लेंटी ऑफ के बाद, अ लॉट ऑफ के बाद, लॉट्स के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो आपकी वर्ब सिंगुलर हो जाएगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. और डिक्शनरी एंड एन एटलस इज मिशन. और डिक्शनरी ये तो एक अलग वर्ड है, और एन एटलस ये भी एक अलग सब्जेक्ट है. तो अगर हमारे पास एन से जुड़े हुए दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो क्या इसका प्रयोग करेंगे आप? इसका कि आर का? किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा ना, तो यहां इसके स्थान पे आर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द लीडर एज वेल एज हिज ब्रदर्स बिलोंग to the same tribe. Tribe में समझते हैं, जनजात को कहते हैं. तो the leader as well as, याद आया? As well as, याद है? As well as, with, along with, together with, besides, in addition to, and not, in comparison with, या to, और भी और वर्ड्स हैं. Governed by, led by, organized by, collected by, इन सब के साथ हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आपको यूज करना है. तो द लीडर के साथ क्या लगेगा आपका? बिलोंग लगेगा, प्लूरल नहीं ना. क्या हो जाएगा? ये बिलोंग्स हो जाएगा. क्या हो जाएगा? बिलोंग्स ये हो जाएगा आपका. यानी यहां पर
जो बिलोंग है वो बिलोंग्स हो जाएगा, क्योंकि एज वेल एज में हम हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार चलते हैं। ओके, ये 16 क्वेश्चन आपने कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 17 से हमारा शुरू होता है, ये सामने है आपके। मेनी अ स्टूडेंट, याद है मेनी अ स्टूडेंट हैव मेड द सेम मिस्टेक, सही कि गलत, याद करें। मेनी अ स्टूडेंट के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, तो हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहां पर, हैज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप ए को हटाकर स्टूडेंट्स नहीं बना सकते हैं, आपको मेनी ए के अनुसार सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेनी होगी आपको। तो मेनी अ के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आएगी, तो मेनी अ स्टूडेंट हैज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 10 टन्स आर अ हेवी लोड, 10 टन्स आर हेवी लोड, सही है गलत है। एक क्लू है आपके पास, क्या क्लू हो सकता है, अ हेवी लोड सिंगुलर है ना, तो फिर 10 टन्स आर कैसे होगा, क्योंकि लोड दे करके एक यूनिट बना दिया इसने, तो फिर आर नहीं, क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, 10 टन्स इज अ हेवी लोड हो जाएगा। चलिए 29 यहां पे हो गया है। 50 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये तो बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में आपको दिया गया और आपको याद भी होगा आपको कि 50 माइल्स और यहाँ डिस्टेंस दिया है उसने, यानी एक निश्चित यूनिट की बात कर रहे हैं, तो 50 माइल्स आर नहीं होगा, इज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th, द पुअर इज सफरिंग, सही याद रख, द पुअर इज सफरिंग, याद करिए, द पुअर इज सफरिंग, जब जैसे ही द पुअर के पहले द लग गया, रिच के पहले द लग गया, ब्लाइंड के पहले द लग गया, लेम के पहले द लग गया, हेल्दी के पहले द लग गया, यंग के पहले द लग गया, ओल्ड के पहले द लग गया, गुड के पहले द लग गया, बैड के पहले द लग गया, तो फिर ये पूरे समूह को दिखाते हैं। जब ये पूरे समूह को दिखाते हैं तो फिर ये एक प्लूरल के रूप में यूज होते हैं, न कि सिंगुलर के रूप में, तो द पुअर इस न होकर के आर हो जाएगा, द पुअर आर सफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू शुड डिसाइड विच वन ऑफ द थ्री च्वाइसेस ए बी आर सी बेस्ट आंसर द क्वेश्चन, क्या आंसर होगा, सोचिए सोचिए, यू शुड डिसाइड, आपको निर्णय करना चाहिए, विच वन ऑफ द थ्री च्वाइसेस ए बी आर सी बेस्ट आंसर द क्वेश्चन, क्या गलत है इसमें, समझ में आया नहीं, यू शुड डिसाइड, हो गया, एक यू शुड डिसाइड विच वन ऑफ द थ्री च्वाइस, इन तीन च्वाइसेस में से कौन सी एक, वो ए है बी है सी है, कौन सी एक बेस्ट आंसर सबसे सही उत्तर देती है द क्वेश्चन, उस प्रश्न का, तो अगर विच वन, वन इन तीन में से एक की बात हम कर रहे हैं ना, तो फिर वन है, तो यहां आंसर कैसे होगा, क्या हो जाएगा यहां पे, आंसर्स हो जाएगा, ये आंसर यहां वर्ब के रूप में है, तो जाएगा यू शुड डिसाइड विच वन ऑफ द थ्री च्वाइसेस ए बी आर सी बेस्ट आंसर्स द क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 32 है, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हु स्कोर्स फुल मार्क्स, यहां ओ गलत है, यहां पे जो ओ है नहीं होगा, फुल मार्क्स आर सुंदरम, सोचिए क्या एरर्स हैं यहां पे, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हु स्कोर्स फुल मार्क्स आर सुंदरम, कौन सा सही होगा, यहां दो गलतियां अगर आप देखेंगे तो, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वन ऑफ है ना, तो फिर ये जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं इसके साथ हु रिलेटिव प्रोनाउन लिया गया, ये हु किसके लिए है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए है, तो हु के साथ स्कोर्स कैसे आएगा, स्कोर आएगा, ठीक है, यहाँ स्कोर्स नहीं होगा, स्कोर हो जाएगा, फुल मार्क्स हो गया आर, ये आर किसके लिए है, उन मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में से एक के लिए, अगर एक के लिए है तो आर कैसे होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, आर नहीं होगा यहां पे, यानी हो जाएगा वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हु स्कोर फुल मार्क्स आर सुंदरम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 33, द ओनली वन ऑफ दीज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हु आर अंडर 18
आर पेट। यहां दो गलतियां हैं, एक तो नाउन की और एक वर्ब की। बताइए कौन सी दो गलतियां हैं। अगर आपको याद आ रहा हो क्लास का, द वर्ली वन ऑफ दीज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हु आर अंडर 18 आर पेट। दो गलतियां हैं। पहला, द वनली वन ऑफ दीज मोस्ट स्टूडेंट मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट जैसे आया तो पहली चीज यहाँ पे हु नहीं आएगा, क्या आएगा, दैट आएगा। द वनली का रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा और वो दैट प्लूरल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सिंगुलर, दैट इज अंडर 18। और फिर दूसरी गलती, यहाँ आर नहीं होगा क्योंकि द वनली वन अगर सब्जेक्ट है तो फिर आर कैसे होगा, आर के बदले क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा आंसर आपका। The only one of these most intelligent students that is under 18 is Peter हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ और अभी, ये आपके 34 से। There was 15 candies in that bag, but now there is only one। सोचें क्या गलत। There was 15 candies in that bag, बट नाउ देयर इज वन लेबन। कुछ समझ में आया, देयर की अपनी कोई पोजिशन नहीं होती, देयर तय करता है कि उसके साथ जुड़ा हुआ नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल। यहाँ पे क्या है, 15 कैंडीज हैं, अगर 15 कैंडीज हैं तो फिर वाच कैसे होगा, क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। एक और चीज देखें यहाँ पे, फिर इन दैट बैग बट नाउ देयर इज वन लेबन, ये देयर के साथ क्या लगा, वनली वन, इसलिए यहां इस क्या है आपका, सही है, कोई एरर नहीं यहां पर है। तो आंसर हो जाएगा आपका, देयर वर 15 कैंडीज, यानी यहां वाच नहीं होगा, क्या होगा, याद आ गया, वर हो जाएगा। देयर वर 15 कैंडीज इन दैट बैग बट नाउ देयर इज ओनली वन। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विद हिज वाइफ ग्रीट द प्रेस cordially, the prime minister together with his wife greet the press cordially। क्या गलत है यहाँ पे, याद आ रहा है कुछ, the prime minister together with his wife greet the press cordially, together with है ना, together with his wife है तो कहीं भी अगर together with, along with या with का प्रयोग है तो हमेशा पहले वाले subject के अनुसार verb लेते हैं। पहले वाले subject क्या है आपके, the prime minister, singular है ना, अगर सिंगुलर है तो वर्ब ये जो ग्रीट है ये ग्रीट नहीं होगी, क्या हो जाएगा, ग्रीट्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द सीडीज इवन द स्क्रैच्ड वन इज इन दिस केस। अब आप लगेगा यहां पे इवन द स्क्रैच्ड वन है इज इन द केस, लेकिन ये हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, All of the CDs है, तो इसके साथ इस कैसे आएगा, क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, यानी यहां इसके स्थान पे R होगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो all of the CDs है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Our team are the best। हम यहां क्या टीम के खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, नहीं ना, हम किन की बात कर रहे हैं, अपनी टीम की बात, एक कलेक्टिव नाउन के रूप में, तो फिर यहां पे R नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 देखते हैं, द वुमन विद ऑल द कैट्स शार्प हेयर रेगुलरली। शार्प यहां पे वर्ब है, ध्यान रखिएगा, बोलिए क्या होगा, द वुमन विद ऑल द कैट्स शार्प हेयर रेगुलरली। क्या हमारा सब्जेक्ट क्या है, कैट्स है क्या, नहीं ना, हमारा सब्जेक्ट क्या है, द वुमन है। अगर द वुमन है तो ऑल विद, हमने कहा था विद के बाद जो है वो सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये विद ऑल द कैट्स नहीं, सब्जेक्ट द वुमन। अगर वुमन है तो शॉप कैसे होगा, वर्ब के रूप में क्या हो जाएगा, शॉप्स हो जाएगा, या आंसर हो जाएगा आपका, द वुमन विद ऑल द कैट्स शॉप्स हेयर रेगुलरली। शॉप मीन्स दुकानदारी करना। चलिए 39 है आपके पास सामने, नीदर ऑफ द कंप्यूटर्स आर वर्किंग। लगेगा सही है ना, नीदर ऑफ द कंप्यूटर्स आर वर्किंग, सही है ना, ना बिल्कुल नहीं, हमारा सब्जेक्ट क्या है, नीदर ऑफ है। अगर नीदर ऑफ का प्रयोग है तो फिर यहां आर कैसे होगा, कभी भी अगर ईदर ऑफ, नीदर ऑफ का प्रयोग है, वन ऑफ का प्रयोग है तो नाउन तो प्लूरल होगा आपका, लेकिन जो वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर, तो आर के स्थान पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
A group of astronomers are meeting today. Astronomers का एक ग्रुप है. अगर astronomers का एक ग्रुप है तो फिर आर कैसे होगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा. तो a group of astronomers is meeting today हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द सन इज वन ऑफ द स्टार्स दैट गिव्स लाइट टू द प्लैनेट्स. क्या गलत है? द सन इज वन ऑफ द स्टार्स दैट गिव्स लाइट टू द प्लैनेट्स. कुछ समझ में आ रहा है? द सन इज वन ऑफ द, ही वन ऑफ द स्टार्स है ना, द ओनली वन तो है नहीं, तो फिर इसके साथ दैट आ ही सकता, कोई दिक्कत नहीं है. हु, अरे हाँ, फिलहाल यहां हु भी ले सकते थे और दैट भी ले सकते थे, लेकिन यहां दैट बेहतर क्योंकि हम स्टार्स की बात कर रहे हैं. तो दैट के बाद यहां लिखा है गिब्स. ये दैट किसके लिए है? स्टार्स के लिए है ना. अगर स्टार्स के लिए है तो यहां गिब्स कैसे होगा, क्या हो जाएगा, यहां पर गिब हो जाएगा, गिब्स नहीं होगा यहां पे. ठीक है, अगर यहीं पे वनली वन होता तब आप दैट गिब्स ले लेते हैं आप. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते हैं. ऑल द रिपोर्ट्स ऑन द मिशन सिक्स ऑन द डेस्क. क्या गलत है? ऑल द रिपोर्ट्स ऑन द मिशन सिक्स ऑन द डेस्क. सही या गलत? हमारा सब्जेक्ट क्या है? ऑल द रिपोर्ट्स ऑन द मिशन. तो ऑल द रिपोर्ट्स अगर है तो सिक्स कैसे होगा, क्या हो जाएगा, सिट हो जाएगा ना, ये सिट होगा, प्लूरल न कि सिंगुलर होगा आपका. ठीक है, चलिए अब करीब करीब एकदम समाप्ति की तरफ है हम लोग. और अगर आपको लगे कि आप ये जो सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अगर ये अच्छे हैं, सही हैं, तो और भी बच्चों को बताने की कोशिश करें. खुद भी लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और दूसरे बच्चों को भी बताएं ताकि और बेहतर से बेहतर कोशिश की जा सकती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये आगे बढ़ना आपका है. 40 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया आपका. इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा आपका, कौन सा क्वेश्चन आएगा? 43 तक आते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके. समवन फ्रॉम द एस्ट्रोनॉमी क्लब यूज द टेलीस्कोप. समवन फ्रॉम द एस्ट्रोनॉमी क्लब, ये समवन फ्रॉम द एस्ट्रोनॉमी क्लब है. अगर हम समवन की बात कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? समवन है ना. सब्जेक्ट अगर समवन है तो फिर यूज कैसे होगा, क्या हो जाएगा, यूजेस हो जाएगा. इसमें मैं जहां पे हूं वहां पे आगे, चूंकि रेलवे स्टेशन है तो थोड़ी बहुत ट्रेन की आवाजें होंगी शायद, उसके लिए कोई बहुत ध्यान नहीं दीजिएगा. हमारा ध्यान क्या होना चाहिए? क्वेश्चन पर और उनके जवाबों पर. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. शी आस्क्ड मी वेदर ईदर ऑफ द एप्लीकेंट्स आर सूटेबल. शी आस्क्ड मी, ये तो सही है हमारा, वेदर की क्या, ईदर ऑफ द एप्लीकेंट्स. अभी हमने कहा था ईदर ऑफ, नीदर ऑफ कहीं होता है तो सिंगुलर लेते हैं प्लूरल, क्या लेंगे, क्या लेंगे, ईदर ऑफ के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी. अगर वर्ब सिंगुलर होगी तो फिर आर कैसे होगा, क्या हो जाएगा, इस हो जाएगा यहां पे आर के स्थान पे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 45. ईच ऑफ द सब्सटेंसेस आर, याद होगा आपको ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ के साथ हमेशा वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी, तो यहां आर नहीं होगा, इच हो जाएगा. और आगे बढ़ते हैं. एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय वर गिवन अ पैकेट ऑफ चॉकलेट. आपको याद होगा अगर दो सिंगुलर नाउंस एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, और उन सिंगुलर नाउंस के पहले एवरी लगा हो, ईच लगा हो या नो लगा हो, तो वर्ब हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है. यानी यहां जो ये वर दिया गया है ये वर न होकर के क्या हो जाएगा, वाच हो जाएगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ऑल पॉसिबल मीन्स हैज बीन ट्राइड बाय अस. ऑल पॉसिबल मीन्स, मीन्स आपको याद होगा मीन्स जब आय के अर्थ में, तनख्वाह के सेंस में, आपकी इनकम के सेंस में होता है तो हमेशा प्लूरल होता है. और मीन्स अगर साधन के अर्थ में, जरिया के अर्थ में, माध्यम के अर्थ में यूज किया जाता है तो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है शब्द के आधार पर, प्रयोग के आधार. ये ऑल पॉसिबल मीन्स है ना, जितने भी माध्यम या साधन हो सकते थे, जितने भी हो सकते थे कई सारे, तो फिर हैज कैसे होगा, क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा. तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल पॉसिबल मीन्स हैव बीन ट्राइड बाय अस. चलिए करीब करीब समाप्ति की तरफ हैं. तो द ग्रुप वर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम. द ग्रुप, ये यहां सब्जेक्ट है, द ग्रुप, तो द ग्रुप तो एक ही है ना समूह के रूप में, तो फिर वर्क होगा क्या, क्या हो जाएगा,
वर्क के स्थान पे वर्क्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्क्स हो जाएगा, द ग्रुप वर्क्स फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। चलिए 49 आ गए, लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। 5 months आर टू लॉन्ग अ टाइम टू वेट, है ना। यहां देखिए एक और रूल आप दिख रहे होंगे, 2 के बाद, 100 के बाद, अगर आपको एस के बाद भी अगर आपको एक एडजेक्टिव दिया जाए और सिंगुलर नाउन दिया जाए तो फिर यहां उसके पहले क्या लगाते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। रूल तो बिल्कुल सही, अभी जल्दी मैंने क्लास में पढ़ाया था, याद होगा। तो 5 months आर टू लॉन्ग अ टाइम, यानी सिंगुलर यूनिट के रूप में यूज किया गया है ना, 5 months को जब सिंगुलर यूनिट के रूप में यूज किया गया तो आर कैसे होगा, इज हो जाए। और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, खुश हो गएंगे बाप, कि नॉट ओनली द फिशरमैन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स आर अराइविंग हियर। याद करें, नॉट ओनली हुआ, बट ऑल्सो हुआ, इधर डॉट डॉट आर हुआ, नीदर डॉट डॉट नार हुआ, में हमेशा बाद वाले के अनुसार चलते हैं, पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लेते हैं। पास में सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स, इसके साथ वर्ब क्या है, आर, यानी नो एरर है, सही है। ये 50 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए सारे, 50 सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, अगर कॉमन एरर के क्वेश्चंस उसमें दिए जाते हैं तो उनमें से निश्चित ही ये सारे प्रश्न आपके काम में आएंगे। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप इन्हें तैयार कर लें विद रूल्स थोड़े बहुत में, तो आप आगे जो और चीज़ें आपको इस पर आधारित मिलेंगी वो निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे। मैं भी चाहता हूँ आप सफल हों, आप भी चाहेंगे कि अन्य बच्चों को भी समझाएं, बताएं उन्हें, शेयर करें अधिक से अधिक, और लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरा भी एनकरेजमेंट होता रहे। ठीक, चलिए मिलते हैं आगे कुछ समय बाद फिर से एक नई सीरीज नए उत्साह के साथ। थैंक यू, गुड नाइट।